यू नो लोगों का एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है भगवान की, वो हमारी बहुत ही फ्लॉड है। हमें लगता है भगवान कोई ऐसे यू नो खड़ूस मानसिकता वाले कोई क्रिएचर है जो बैठे हुए हैं कि जजिंग एवरीथिंग दैट यू डूइंग। तुमने ये गलत किया, ये सही किया, अभी तुम्हें ये पाप कर रहे हो तो तुम्हें इस नरक में भेजेंगे। दैट इज नॉट गॉड। भगवान का अस्तित्व जो है वो है प्रेम। आपके होने के कारण ही भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं। So you are a very important cog in the entire machinery, you know, of this universe. We are a essential part of this universe. So always remember that. और हमारी उपनिषद यही सिखाते हैं कि आत्मा और परमात्मा they are not different. हमारे केस में fortunately we are living or we are born in a culture जिसमें questions पूछना encourage किया जाता है। आप किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप एक जो मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी है दैट इज दैट यू शुड हैव दैट ओपन माइंड। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को खोलना होगा ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। अगर हम एक प्री कंसीव नोशन लेके जाते हैं सो वो इंक्वायरी जो है हमारी दैट इज नॉट ऑनेस्ट। सो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, दैट विल ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। यू नो आवर स्क्रिप्चर्स दे हैव अ वेरी क्लियर कट क्लासिफिकेशन। यू नो वेयर वी हैव द वेदास एंड द उपनिषद एटसेट्रा व्हिच आर कॉल्ड श्रुति। देन वी हैव अ क्लासिफिकेशन वेयर वी हैव स्मृति। So Shruti is that which was heard. So Shruti is that which is heard. जो visions, divine visions, ऋषियों को मिले थे, उन्होंने अपने आप से नहीं लिखे। वो जो scriptures हैं, उनको Shruti कहते हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई दिए या उन्हें visions में आए। उसमें आते हैं हमारे वेद और उपनिषद। स्मृति है जो memory से लिखा गया। स्मृति is memory. So जो हमें बताया गया और वो memory के द्वारा लिखा गया, continue किया गया, that is स्मृति, जिसमें पुराण वगैरह आते हैं। और फिर आता है इतिहास, और इतिहास में रामायण और महाभारत ये दोनों काउंट किए जाते हैं, और हरिवंश विच इज सॉर्ट ऑफ एन एंसिलरी टेक्स्ट टू महाभारत विच टॉक्स मोर अबाउट कृष्णा एंड हिज डायनेस्टी। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में ही क्लासिफिकेशन है कि इतिहास में रामायण और महाभारत आते हैं। सो दे आर डेफिनेटली नॉन माइथोलॉजी। बट पुराणों में काफ़ी स्टोरीज ऐसी हैं विच आर which can be considered mythology. Why? Because they are telling us a certain principle, जो उनके अंदर एक logical principle है, वो बताया जाता है through the medium of a story. So that does not mean कि वो story definitely हुई थी, but that story is a means to convey something to you. और बहुत छोटा सा मैं एक example देता हूँ। जैसे हमें पता है 27 नक्षत्र होते हैं। So, नक्षत्रों के साथ यू नो जब आप मून की मूवमेंट ट्रैक करते हैं, चंद्रमा की मूवमेंट ट्रैक करते हैं, एवरी डे द मून इज इन अ डिफरेंट नक्षत्र, इट्स क्लोज टू अ डिफरेंट नक्षत्र, पर उसमें से सबसे ज्यादा टाइम ऑलमोस्ट बिकॉज एक लूनर मंथ जो है, हमारे जो कैलेंडर्स है दे आर अकॉर्डिंग टू द लूनर मंथ, तिथि जो है वो चांद की मूवमेंट के साथ होती है। सो लूनर मंथ उसी हिसाब से चलता है 27 दिन का, कि 27 नक्षत्र है। सो चांद सबसे ज्यादा टाइम, चंद्रमा सबसे ज्यादा टाइम एक नक्षत्र के साथ स्पेंड करता है, ऑलमोस्ट 1.5 डे, विच इज कॉल्ड रोहिणी। बाकी सब नक्षत्रों में इट इज 1-1-1-1 डे। सो द स्टोरी इन पुराण्स सेज दैट चंद्रमा वाज मैरिड टू 27 विमेन, आउट ऑफ विच रोहिणी इज हिज फेवरेट। सो सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ दी स्टोरीज, कि ये जरूरी नहीं है सच में हुई हो। That is why the tag of mythology is given. But in sub stories ke piche bahut logical kuch scientific principles hain, kuch phenomena hain, astrological phenomena hain, aur jinko pass on karne ke liye unko ek you know manoranjan ke hisab se unko aage continue karne ke liye ki logon ko maza aaye wo seekhne mein, stories are always easier to remember rather than scientific theories jo humne school mein padhi thi, hame kuch yaad nahi hai. लेकिन जो हम देखते हैं प्रैक्टिकली होता हुआ, जो हम स्टोरीज के थ्रू जो जानते हैं वो याद रहता है। सो आई वुड से यू नो इट्स अ मिक्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो मेक बिलीव, इट इज अबाउट समथिंग टैंजिबल, सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सम ऑब्जर्वेशंस जो हमारे एंशियंट्स ने की, उनको पास ऑन करने के लिए स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है। सो एज अ टैगलाइन इज टुडे दैट स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का समागम, हाउ फार डू यू थिंक हमारा जो धर्म है या हमारी जो एक हमारी जो एक वैदिक जर्नी रही है, हाउ डज साइंस जस्टिफाई इट? डू यू थिंक देर इज
it's all like make believe or science does have a place in it? Because aajkal ke bachcho ko agar hum kahe ki ye karo wo karo, so this is a science case, but what is the logic behind it? I also don't know, Vineet. So please, like, what is the logic behind most of the dharmas? So I think what Mamta ji said earlier, right, ke stories pass on karni chahiye. You know, that is the disconnect that has happened, that, you know, one generation is completely clueless now and it is unable to pass on that wisdom to the next generation because hamara connect hi toot gaya hai. And I think that is where, you know, reading scriptures is very important, but also understanding them is of prime importance. Kyunki kaafi log bahut literally lete hain cheezon ko, aur jaisa maine abhi aapko example mein bataya, you know, it may not be literal. It is giving us some other important message. So साइंस का तो बहुत बड़ा रोल है स्पेशली हमारे सनातन धर्म में, बिकॉज यू नो इन वेस्टर्न रिलीजन्स देयर वाज ऑलवेज अ टसल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. सो हमारे केस में फॉर्चुनेटली वी आर बोर्न इन अ कल्चर जिसमें क्वेश्चंस पूछना एनकरेज किया जाता है. आप किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हो. आप कितने लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि राम ने ऐसा क्यों किया, राइट? कितने लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे कृष्ण जी ने ऐसा किया, अरे पांडवों ने ऐसा क्यों किया, वो तो धार्मिक साइड पे थे. सो क्वेश्चंस पूछना हमारे डीएनए में है. और एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो अभी यहाँ पहले हवन लाइट अप करते हुए जो प्ले हो रही थी, दैट इज कॉल्ड द नासदीय सूक्त, और वो हिंदी ट्रांसलेशन था. पर नासदीय सूक्त में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिएशन हुई कैसे है. और ये आप देखिए, ऋषि मुनि है, ये वेदों में से आए, ऋग्वेद का श्लोक है नासदीय सूक्त. उसमें ऋषि जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और वो इमेजिन कर रहा है, वो कंजेक्चर दे रहा है कि कैसे हुआ होगा. और इसीलिए वो उसमें, अगर आपको याद है वर्ड्स क्या है, तो बोलते सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, यू नो अंधकार. और मतलब जो पूरी कॉन्टेम्पलेशन है दैट इज वेरी साइंटिफिक इन नेचर. और इनफैक्ट आज का कोई साइंटिस्ट अगर बैठ के सोचेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, इट वुड बी वेरी सिमिलर, राइट? सो सिमिलर कॉन्टेम्पलेशन. और द ब्यूटी अबाउट दिस नासदीय सूक्त इज कि वो एंडिंग जो है उसका, उसमें ऋषि जो है उसके परमेश्वर, वो बोलते हैं शायद वो भगवान जो हाईएस्ट हेवन में बैठा है, शायद उसी को पता है, मैं तो नहीं ढूंढ सकता हूँ, शायद उसी को पता है कि ये सब कैसे हुआ. या जो लास्ट सेंटेंस है उसका वो ये है, या शायद उसको भी नहीं पता. सो इमेजिन अ साधु, अ ऋषि टॉकिंग लाइक दैट अबाउट गॉड, दैट मे बी इवन ही डज नॉट नो, मे बी ही इवन केम लेटर आफ्टर द क्रिएशन. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी विच इज इनहेरेंट इन आवर स्क्रिप्चर्स. एंड ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड. यू नो इट वॉज पास्ड ऑन ओरली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और बहुत बाद में उनको लिखा गया वेदों को, पर ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू ये पास ऑन किए. पर आप सोचिए, हजारों साल पहले जंगलों में रहने वाला कोई साधु ये कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, दैट क्लियरली शोज यू नो दैट साइंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे रिलीजन में और हमारी वैदिक संस्कृति में. दैट्स एक्चुअली वेल कॉन्टेम्पलेटेड विनीत जी, बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत बाद में वी न्यू अबाउट द बिग बैंग. हम लोगों को जो हिस्ट्री में पढ़ाया गया कि इट वॉज अ बिग बैंग एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. एंड आप सही कह रहे, इतने हजारों वर्ष पहले एक जंगल का साधु न्यू दैट समथिंग लाइक दिस प्रॉबली इज हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. अगर हम वेदों के बारे में बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर एवरीबडी, हम यहाँ ऋग्वेद या यजुर्वेद, कोई भी इस टाइप की हिस्टोरिक वैदिक टेक्स्ट के बारे में बात करें, एंड वी ऑल नो कि आज की जो हमारी परिस्थिति, आज की हमारी जो सोच, वो इन सब से ही प्रेरित है कहीं ना कहीं, यू नो सिंप्लीफाई होते होते, मे बी नॉट इन द ट्रू वैदिक लैंग्वेज बट इन सिमिलर एंड सिंपल वे वी आर फॉलोइंग इट. तो एक आम हम लोग, आम कम्युनिटी, हाउ कैन वी कम क्लोजर टू रीडिंग दीज एंड अंडरस्टैंडिंग दीज, लाइक इफ सम ऑफ अस वांट टू स्टार्ट understanding and reading the Vedas, how complicated is it? Is it like people sitting in this crowd probably from tomorrow can read something from the Vedas? I'm sure that inquiry aap log sab mein kal se zarur hoga aur aap log google zarur karenge. So what are your thoughts on it? So Vedanti ji, I think you know now
with internet, I think it's very easy to find any scripture online. आपको हर भाषा में translations मिल जाएंगे. There are publishing houses like Gita Press, you know, which have translations in all Indian languages. But बहुत simple translations हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं है. It's word to word translation. Even भगवत गीता के लिए I recommend generally Gita Press Gorakhpur. But एक जो मुझे लगता है requirement है, eligibility है, that is that you should have that open mind. सबसे पहले हमें अपने दिमाग को खोलना होगा ये scriptures पढ़ने के लिए. अगर हम एक preconceived notion लेके जाते हैं, so वो inquiry जो है हमारी, that is not honest. So हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, जो conclusion निकलेगा, that will also not be correct. So अगर आप एक open mind के साथ inquiry लेके जाएंगे, और then you try and read the scriptures, everything is available. उनके उनको explain करने के लिए commentaries भी available हैं, जो काफ़ी आचार्यों ने लिखी हुई है. तो अगर हमें सीधा सीधा मतलब नहीं समझ में आ रहा, हमें commentary की help लेनी पड़ी, तो वो भी available है. बट ये सारे scriptures available है. बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, हमें बहुत ब्रॉडली पता होता है कि वेद हैं, पर वेदों में क्या है हमें नहीं पता, राइट? सो आई थिंक प्रज्ञा जी मेंशन्ड अ लिटिल बिट अर्लियर, सो ऋग्वेद में प्रेयर्स हैं देवताओं के लिए, देवियों और देवताओं के लिए, जो हिंदुइज्म के सबसे पुराने प्रेयर्स हैं. और सबसे पुराने जो देवता देवी जो हैं, वो ही कंटिन्यू हुए हैं, उनके सिर्फ रोल्स चेंज हुए हैं हिंदुइज्म के एवोल्यूशन में. सो इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए, विष्णु के लिए, रुद्र के लिए, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है उनके लिए, इन सब के लिए प्रेयर्स हैं. देवी के लिए प्रेयर्स हैं, शक्ति के लिए प्रेयर्स हैं, नदियों के लिए प्रेयर्स हैं. ऋग्वेद की प्रेयर्स के थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री पता चलती है कि हमारा एक्सटेंट क्या था, हमारी नदियाँ कौन सी थी. नदी स्तुति सूक्त है. हम अभी भी जाके हम नदियों को इतना मान देते हैं, उसका कारण है हमारे जो नदी स्तुति सूक्त है, हमारा जो पूरा सप्त सिंधु, जो सेवन मेन रिवर्स थी जिनके अराउंड ये वेद लिखे गए, उनकी उनकी तुलना माताओं से की जाती है. सरस्वती नदी, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सरस्वती नदी जिसे हम मिथिकल मानते हैं, वो सरस्वती नदी एक्चुअली हैज बिकम विजिबल थ्रू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन. उसका ड्राई रिवर बेड साइंटिस्ट ने निकाला है थ्रू सैटेलाइट इमेजरी, थ्रू आइसोटोप स्टडीज एक्सेट्रा. सो इट वॉज अ रियल रिवर, और हमें बताया जाता है कि ये तो मिथिकल नदी है, तो इसीलिए ये माइथोलॉजी है. लेकिन वो माइथोलॉजी नहीं है, अगेन उसके पीछे हिस्ट्री है. अगर हम वेद के बारे में बात करें, पुराण, आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द यूज, एंड बिकॉज आई वॉन्ट दैट लेटर हाफ ऑफ दिस सेशन टू बी लिटिल इंटरेक्टिव विद द ऑडियंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एवरीवन हैज, आई हैड दिस क्वेश्चन अबाउट द युग दैट वी आर इन नाउ, विच इज कलयुग, बिकॉज इट इज मोर रिलेटेबल टू मी बिकॉज आई एम इन इट. एंड what can you tell us about the yug that is now going on? Aur agar hum kaliyug ke bare mein baat kare to kalki avatar ke bare mein bhi baat karna bahut zaruri hai. So yes, I need to know your thoughts on kaliyug and kalki avatar. So I think it's a hot topic because kalki ka so there's a book called Bhavishya Malika. I'm not sure kitne logon ne suni hai. It was written in Odisha and it is claimed to have been written about 500-600 years ago. But it was penned down much recently. So उसमें prediction है कि 2024 में कलयुग खत्म होने, कल की आने वाले हैं, और 2032 से सत्युग शुरू हो जाएगा. हाँ, so I have no comments on it, but मैं scriptures के हिसाब से बात करता हूँ, तो अभी कलयुग के about 5000 साल हुए हैं, and there's a long way to go for Kalki to appear. But कल देखिए, this is the beauty, this is the information encoded in our scriptures. कि हमें बताया जाता है कि टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस होंगे. हमें बताया गया है कि सत्य, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग एक प्रोग्रेशन है, एक साइकिल है. आप कभी भी एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो. इट विल ऑलवेज चेंज, थिंग्स विल चेंज, सिचुएशंस विल चेंज, ह्यूमन इंटेलेक्ट विल चेंज, ह्यूमन सिविलाइजेशन विल चेंज. हर चीज चेंज होगी, तो टाइम कैसे सेम रह सकता है, मॉरल्स और वैल्यूज कैसे सेम रह सकते हैं. और जो इंसान की टेंडेंसीज है वो कभी ना कभी उजागर होंगी. अगर आप किसी को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, सो यू नो वी सी हमारे प्रिजन्स में क्या होता है, काफ़ी टाइम उसको जेल में रखा, बाहर निकलते वो फिर वही हरकत करता है. सो जो इंसान के अंदर टेंडेंसीज हैं वो तो उजागर होंगी, वो किसी ना किसी तरह बाहर आएंगी. सो उन सबको बैलेंस आउट करने के लिए ये साइकिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतयुग में ज़्यादा प्रिपोंडरेंस उन लोगों की है जो अच्छाई के मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, यू नो गुडनेस के मोड में, सात्विक मोड में है.
धीरे धीरे जैसे युग परिवर्तन होते हैं, राजसिक मोड आता है, वेयर पीपल हैव अ लैविश लिविंग. यू नो, जैसे हमारे राजा महाराजाओं के बारे में बताते थे कि वो हजारों दासियां हैं और यू नो बहुत मतलब ऐश की ऐश्वर्य की जिंदगी वो जीते थे. सो वो राजसिक मोड था. अभी जो है हम तामसिक मोड में है. यू नो वी आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो कलयुग चल रहा है, कि हमें हमें खुद भी कुछ पता नहीं है. वी आर नॉट इवन बॉदर टू फाइंड आउट और वी आर वेरी हैप्पी इंडल्जिंग आवरसेल्फ्स. यू नो, एक पार्टी कर ली, एक यू नो अच्छी मूवी देख ली, चलो पिज्जा खाने चलते हैं, चलो आज क्लब चलते हैं, विच इज फाइन. यू नो, बट वॉट वी आर डूइंग इज दैट वी आर लिमिटिंग आवरसेल्फ्स टू दिस ओनली. एक जो लाइफ में बैलेंस चाहिए था वो कलयुग में खत्म हो गया है, अनफॉर्चुनेटली. सो कलयुग के लिए यही कहा जाता है कि दिस इज द वर्स्ट ऑफ टाइम टू बी इन, बट इट हैज अ सिल्वर लाइनिंग. क्योंकि पुराने युगों में सब लोग ही अच्छे थे, तो आपने क्या स्पेशल काम किया. सो आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है, आपको हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है. उसी तरह त्रेता में आपके पास बहुत ऐश्वर्य है, आप राजसिक मोड में हो, सब लोग अमीर है. जिस तरह बताते हैं, मतलब इवन द्वापर में जैसे कृष्ण जी के बारे में जो डिटेल्स दी जाती हैं, और नंद बाबा जो थे और यशोदा मैया जो थी, वो लोग ग्वाले थे, उनके घरों में ऐसे यू नो हीरे ज्वाला जड़े हुए थे. तो ऐसा बताया जाता है कि यू नो दे वर सो प्रॉस्परस. सो सब लोग अमीर हैं, तो मतलब क्या, व्हाट्स द बिग डील, यू नो दैट यू हैव डन. सो उसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे त्रेता युग में. द्वापर युग में मंदिरों में जाते थे लोग, मूर्ति पूजा करते थे और भगवान से कनेक्ट होते, या तीर्थ स्थानों पे जाते थे. सो अलग अलग युगों में अलग अलग मोड्स थे भगवान से कनेक्ट करने के लिए. और कलयुग जो इतना यू नो बताया जाता है ड्रेडेड टाइम है, भगवान किसी को कलयुग में ना फंसाए, घोर कलयुग है और किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो. और कलयुग में इट इज द ईजिएस्ट टू गेट क्लोज टू गॉड. इट इज ओनली बाय चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड. सिर्फ भगवान का नाम लेना ही काफी है. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपकी इच्छा है तो आप जरूर कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप मूर्ति पूजा कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, बट भगवान से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ भगवान का नाम लेना ही काफी है. सो गॉड हैज मेड इट सो इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद हिम. एंड यू नो लोगों का एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है भगवान की, वो हमारी बहुत ही फ्लॉड है. हमें लगता है भगवान कोई ऐसे यू नो खड़ूस मानसिकता वाले कोई क्रिएचर है जो बैठे हुए हैं, जजिंग एवरीथिंग दैट यू डूइंग. तुमने ये गलत किया, ये सही किया, अब तुम्हें ये पाप कर रहे हो, तो तुम्हें इस नरक में भेजेंगे. दैट इज नॉट गॉड. भगवान का अस्तित्व जो है वो है प्रेम. गॉड इज लव. ऑल आवर सेंट्स हैव शोन अस दैट. मीराबाई शोड अस दैट. तुलसीदास शोड अस द सेम थिंग. यू नो स्वामी रामकृष्ण परमहंस शोड अस द सेम थिंग. गॉड इज लव. You can connect with God in any way that you feel. आपको जैसे हमारे जो relationships है, हमारे जो love relationships है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो पुत्र का हो, friends के हो, भाई बहन के हो, you know, it could be any relationship that you pick up. और उसी तरह से भगवान से आप connect कर सकते हैं. इसीलिए जब कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी को बोलते स्वयं भगवान. You know, he was a संपूर्ण अवतार of विष्णु जी. तो उनके आप देखिए कितनी सारी रानियां थी, कितनी सारी गोपियां थी, क्योंकि जितने पिछले जन्मों में भगवान के अवतारों में जितने लोग थे, वो जो डिजायर रखते थे भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए रोमांटिकली, दे आल्सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. यू नो, सो देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग. और उनके दो माता पिता थे, राइट? उनके कितने सारे दुश्मन थे. दुश्मन की तरह भी आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं, मुझे तो भगवान पसंद ही नहीं है. But invariably, you are thinking about God. Every time you're still connected to Him. So Kans या रावण जो हमेशा भगवान के अगेंस्ट सोचता था, वो सोचता तो था, इसीलिए उनको मुक्ति भी मिली बाद में. So that is the beauty, you know. और कलयुग में fortunately it is the easiest. And कल्कि अवतार वो जब भी आएंगे, I don't think he'll come in this year, but जब भी वो आएंगे, so उनके बारे में भी बहुत amazing details है. और एक बहुत छोटी सी पुराण है, कल्कि पुराण. इट इज अवेलेबल ऑनलाइन. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का, तो जरूर पढ़िए. एंड यू नो वैजयंती जी, सो दैट आई मीन माय अप्रोच इज बेसिकली नॉट टू गिव ऑल द ज्ञान, बट टू इंस्पायर पीपल टू पिक अप द स्क्रिप्चर्स एंड रीड. एंड आई फील दैट नीड्स टू बी डन. एब्सोल्युटली. We just spoke about Kamakhya Devi or Sarasar ji, or for that matter Tirupati ji. And as you said that some places are celebrated differently from the other. So if you're talking about
mandirs also. Would you like to just tell the audience about the, you know, the energy and the pull of different mandirs, and why is it that certain mandirs have become so popular? Is it again because of, you know, the people going there and the amount of people going there, the marketing behind it, or actually there is an energy which pulls you? So I believe, you know, it's a mix of both. Because, you know, to begin with, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ जो हमें शक्तिपीठ जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे देवी सती के माना जाता है कि उनके शरीर के अलग अलग भाग गिरे थे. सो दोज आर फोकल पॉइंट्स फॉर एनर्जी, बिकॉज इट इज एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, शक्ति इज एनर्जी, राइट? सो वहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल. इफ यू गो टू टेम्पल्स लाइक महाकालेश्वर और सोमनाथ, यू नो, यू कैन फील द पावर इन दैट डीटी. You just stand there and you can feel the vibrations coming off the deity. You know, they are very strong. But I also think it is a result of more and more devotees going there. Jitni zyada shraddha ek jagah pe badhti hai, uski power aur badhti hai. So I think it's a symbiotic relationship between God and devotees. And you know, that's again a beauty of Hinduism, that hum ye nahi bolte ke Bhagwan hi sabse upar hai. Actually, Bhagwan se upar ek hi hai, aur wo hai Bhagwan ke bhakt. और भगवान खुद बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. सो द ओनली पर्सन हु कैन मेक मी बाउ, इवन गॉड बाउस टू द डिवोटीज. इमेजिन, दैट इज द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. और इनफैक्ट आपको पता है, हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसके लिए करते हैं? देवताओं के लिए करते हैं, जैसे यू नो इंद्र, अग्नि, वरुण वगैरह. दीज आर द एलिमेंटल गॉड्स जो हमारी सृष्टि को एक सही रिदम में चला रहे हैं. यू नो कि सीजन्स सही टाइम पे आए, बारिश सही टाइम पे आए. हमारी कंट्री इट्स एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंपनी, राइट? वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. एक साल अगर रेन नहीं आती ढंग से तो हालत हो जाती है सबकी. सो यू नो दिस ट्रेडिशन हैज कम फ्रॉम अ बिलीफ दैट इफ यू कीप द गॉड्स हैप्पी दे विल टेक केयर ऑफ यू, राइट? बट इट इज नॉट वन साइडेड. गॉड्स हैव टू be offered something to stay strong. So, आप कभी भी अगर कहानी अगर आपने कोई पढ़ी हो या सुनी हो जिसमें राक्षस जो है, बड़े बड़े जो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु, महिषासुर, ये लोग क्या करते थे? ये सबसे पहले हवन, यज्ञ, ये मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते थे. क्यों? क्योंकि उन प्रेयर से गॉड्स को पावर्स मिलती है. सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटीज एंड गॉड. So that is the beauty, and I think जितना हम ज़्यादा visit करते हैं एक मंदिर को या एक धार्मिक स्थल को, उतनी ज़्यादा उसकी potency बढ़ती है. So I feel again it shows that you know आप important हो इस universe में. You know you as an individual soul, हमारी you know बहुत बार existential questions आते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में है ही क्या, you know मैं कर ही क्या रहा हूँ यहाँ पे, and you know why the hell am I here in this world? What is my purpose? And these existential questions come for everybody. You know, any intelligent species in the world will have these questions. Any intelligent race will have these questions. Aur uska bahut simple answer hai ki aapka hona hi, aapke hone ke karan hi bhagwan exist kar rahe hain. So you are a very important cog in the entire machinery, you know, of this universe. We are a essential part of this universe. So always remember that. Aur hamari upanishads yahi sikhate hain ki atma aur parmatma, they are not different. The only difference is we are covered by the veil of ignorance. We are covered by Maya. And we realize that we are more than this body. That is the only difference. God is the soul which is beyond this ignorance. It's in a mode of goodness. So that is the difference. I think that's so beautifully expressed, Vinitji. And if you're talking about gods, there's one thing which also very much is intriguing is about the parallel world. तो आज अगर हम अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं तो भूत प्रेतों को क्यों छोड़े? आई नो इट्स डार्क सो डोंट गेट स्केयर्ड, बट मैं तो बहुत हॉरर फिल्म देखती हूँ. ओके, सो नाउ टेल मी विनीत जी, डू यू थिंक डीमंस एक्चुअली एग्जिस्ट? इज देयर अ पैरेलल एनर्जी? आप क्या इसमें बिलीव करते हैं? सो वैजयंती जी, इंटरेस्टिंगली मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ क्योंकि आई नो दे एग्जिस्ट. They exist? Oh my God. I mean, that's my experience. And I think, you know, at a certain stage, aapki agar frequency thodi expand karti hai,
आपको फील होगा कभी ना कभी दैट देयर आर सम स्पिरिट्स अराउंड, राइट? दे मे नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मैं ये नहीं बोल रहा कि भूत प्रेत है या यू नो कोई ऐसी स्पिरिट्स हैं यू नो विच आर बैड फॉर यू, बट देर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, राइट, विच वी डोंट अंडरस्टैंड. देर आर थिंग्स दैट हैपन विच वी डोंट अंडरस्टैंड. हमारी जो ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस है, आपको पता है हमारी मतलब यू नो द साउंड्स दैट वी कैन हियर इज वेरी लिमिटेड. आपके अगर घर में पेट है डॉग को वो साउंड सुनाई दे जाती है जो आपको नहीं पता कि है, यू नो, एंड दे आर इमीडिएटली अलर्ट. सो क्लियरली देर सम डेफिशिएंसी इन आवर सेंसेस. देर आर कलर्स दैट वी कांट सी, यू नो, विच द बीज कैन, यू नो, द अल्ट्रा वायलेट एंटायर रेंज, यू नो, द बीज कैन सी, वी कांट सी इट. सो यू नो इट विल बी वेरी यू नो एरोगेंट of humans to say कि we know everything. We do not, we cannot with our limited senses. इसीलिए हम इतने सारे instruments बनाते हैं कि अरे यार microscope, हमें नहीं दिख सकते इसलिए हमें microscope चाहिए, हमें ग्रह नक्षत्र नहीं दिख सकते इसलिए हमें telescope चाहिए. So हम खुद ही acknowledge करते हैं कि हमारी senses limited है. So क्या पता, you know, और हमारी और scientists कुछ और develop करे जिससे हमें ये clarity आ जाए कि ये सब है या नहीं. मुझे तो सिर्फ स्कोप ही स्कोप चाहिए कुछ ना कुछ करने का. कमिंग बैक टू द ऑडियंस, कैन वी हैव सम होस्टेसेस ऑन द फ्लोर? एंड सो यस, नाउ वी ओपनिंग द फ्लोर फॉर सम क्वेश्चंस टू विनीत जी. एनीबॉडी वांट्स टू डायरेक्ट या कुछ पूछना है? यस रीता दी, यस यस प्लीज, आप उठो. नहीं, कैन वी हैव समवन विद द माइक इन द फ्रंट रो प्लीज? या कैन यू जस्ट वेट, आवर गेस्ट ऑफ ऑनर विल प्रॉबली जस्ट आस्क अस. So that's Rita Bhimani, a PR expert from Kolkata, very well celebrated amongst us. Yes, Rita. Thank you so much. Can you hear me now? Yes, perfectly. Vinichi, first of all, I'm absolutely overwhelmed by the way you have taken us through this symbiotic, to use your own words, journey between spiritualism and science. And Vaijayanti, your questions have been absolutely marvelous. So you brought out the best. You were talking about instruments in the last bit of what you were telling us about. I was just wondering where artificial intelligence comes in to beat divinity. What would you say about that? Thank you for that very interesting question. You know, in fact, there's a conjecture that, you know, the Kalki avatar that we're talking about, the future avatar, okay? So I'm not sure if everybody knows, so Vishnuji ke 10 avatar jo main bataye jaate hain, usme se ek avatar abhi hona baki hai. So it's a future avatar that we talk about, which will happen in the Kali Yuga, right? So Kalki ka jis tarah description hai Kalki Puran mein, aur jo unke adversary ka description hai, you know, it brings to our mind a lot of technology, you know, that it will be utilized, you know. So I feel AI, and in fact, you know, anybody who's watched all these science fiction movies doled out by Hollywood for decades, just when AI takes over the world. So I feel it will be very easy for Kali, who is Kali Purush, you know, who is the villain in Kalki's story, who is the ruler of Kaliyug, by the way. I feel, you know, it is very easy to use AI to control humanity. So I think AI has a very important role to play, and probably that is the reason we are going step by step, because to avoid such a scenario where, you know, the entire world today, we are all electronically connected, right? Our satellites, the communication that we have, the television that we watch, everything is through, you know, through the computers or through, you know, the electronic medium, basically. And AI, an artificial intelligence which gathers, it would take years, I feel, you know, to reach that level. We are still not there yet, but probably, you know, there is a very real possibility that if you, and I think it all depends on the principles that you feed into the AI. There was a very amazing author, because I love reading science fiction, so jin logo science fiction agar as a genre, if you like, you know, Isaac Asimov was an author. So he has written beautiful books on robotics. Or matlab unki fiction hai books, par unke jo principles the, unke teen principles the robotics ke upar, jisme se pehla tha that a robot cannot harm a human. So depends on what you are feeding into the machine.
it will accordingly act. And there was a very beautiful sequel to those robot series where he realizes that uske pehle, rule number one se pehle, zeroth rule hona chahiye, that a machine should not harm humanity. So I think that is a very important concept to keep in our mind while designing artificial intelligence. Otherwise, yeah. So AI should find its own Rohini. Thank you very much. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So we can take two more questions. One definitely we'll be taking from you. And the last question I want the co-presenter for today, Harshita, to ask Vinitji. So beyond that, we can take few questions off the floor. I think Vinitji, everyone would love to interact with you for the fan moment. But yes, for the second last question, can we have it? Yes, please. Good evening, Vinitji. जब से आपका नाम वैजयंती ने सोशल मीडिया पे दिया, I was like going crazy कि कब जाऊं और कब विनीत जी को मिल जाऊं। I need the loyalty, विनीत जी। Because I've been following you for long और आपके सारे podcast मैंने सुने हैं। तो मेरा एक छोटा सा question है, because this is a doubt which goes into my mind. मैंने scriptures भी पढ़ा है, शिव पुराण और काफी सारे textbooks पढ़े हैं। तो जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब शक्ति की मृत्यु होती है तो शिव जो होते हैं वो अपने आप को अग्नि में आत्मसात कर लेते हैं, लाइक शी गोज इनटू द अग्नि। एंड अनदर वे देयर इज देवी पुराण जहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिव उनको लेकर के घूम रहे हैं एंड देन उसके बाद 51 शक्ति मीट हुए। तो दो पुराण में दो कन्फ्यूजिंग डिटेल्स है अबाउट सती का मृत्यु। सो मुझे आपसे उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जी जरूर। तो आई थिंक एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं बताया जाता, यू नो, अगेन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान क्यों सुप्रीम है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज दैट सो? कि विष्णु पुराण में विष्णु जी सुप्रीम है, शिव पुराण में शिव जी सुप्रीम है, देवी पुराण में या देवी भागवत पुराण में शक्ति सुप्रीम है, क्यों? इसका सेक्ट थे, ये हमें बताया जाता है कि सेक्ट थे अलग अलग, राइट? बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं बताया जाता क्योंकि ये पुराणों में ही कहा गया है। इनफैक्ट शिव पुराण में, मत्स्य पुराण में, बहुत सारे पुराणों में मेंशन है कि हर पुराण एक अलग टाइम की स्टोरी बताती है। जो ब्रह्मा के दिन है उनको कल्प कहते हैं, ब्रह्मा के दिनों को, और हर पुराण एक अलग कल्प की कहानियां बताती है और अलग अलग कल्पों में सेम भगवान देवी देवता अलग अलग रूप से प्रकट हुए और अलग अलग उन्होंने चीजें की। सो जो कॉन्ट्रडिक्शंस जो आप कह रहे हैं स्टोरीज में, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, वही इंसिडेंट अलग तरीके से हुआ एक अलग कल्प में, बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं बताए जाते, जो एक ब्रह्मा जी की जो एज है उसमें 100 ईयर्स होते हैं, हर एक साल में उनके 360 डेज होते हैं जिनको हम कल्प बोलते हैं। हर कल्प में, जैसे हम बोलते हैं हमारे दिन में घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं दिन में 12 रात में, तो वैसे 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में। सो मनवंतर अलग अलग है एक ही कल्प में। सो हर एक जो पुराण है वो अलग अलग कल्पों की कहानी बता रही है, मनवंतर्स में की कहानियां नहीं है उसमें। और हर मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं, जैसे हमारे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे हर मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में चार साइकिल होती है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दैट इज द ग्रैंड कैलकुलेशन इन आवर स्क्रिप्चर्स व्हिच इज माइंड बॉगलिंग, एंड दैट इज व्हाई ब्रह्मा जी की जो एज है वो ट्रिलियंस ऑफ इयर्स में है, ह्यूमन अगर हम इयर्स में काउंट करते हैं। एंड फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज इवनिंग, कैन वी हैव द माइक टू हर्षिता? Can't hear you. Hello. Yeah. Hi. So there was this one story which I had read which said कि हमारे पुराणों में भगवान जी ने जब भी शादी की वो अपना घर छोड़ के अपनी वाइफ के घर चले गए। जैसे शिव जी का जब शादी हुआ वो कैलाश पर्वत के वासी बन गए हिमालयस में, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जब शादी हुई तब विष्णु जी चले गए क्षीर सागर में जहाँ से समुद्र मंथन हुआ। So how did we lose that? Why did we lose that? We want the best to come and say, we want that question. I
I think again, you know, these stories are very beautiful. You better talk about feminism. Warning you. I always talk about feminism. No, especially in this company, I dare not say anything contrary to it. So I think, you know, हमारी scriptures हैं बहुत ही strong women characters हैं और ये मतलब it is not about who moved to whose place. Actually, Shivji और पार्वती जी के लिए विश्वकर्मा ने एक पैलेस बनाया था लंका में. So लंका was not inhabited by Ravan from the beginning, right? So वो वहाँ पे ऐसे one of the Puran says that you know वहाँ पे but Shivji was like कि यार ये बहुत ज़्यादा ostentation है, मैं तो ascetic हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मुझे ऐसे यू नो राज वैभव में नहीं रहना है. सो ही मूव्स बैक टू कैलाश एंड पार्वती इज ओके, यू नो, बट इट्स नॉट बिकॉज पार्वती वॉज फ्रॉम कैलाश दैट ही मूव्स बैक. आई एक्चुअली रेड दिस स्टोरी, लाइक इट वाज रिटन इन देयर, राइट? सो आल्सो देयर वाज अनदर पॉइंट इन इट दैट हमेशा वुमेन का नाम पहले आता है, बट अभी हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हमेशा मेन का नाम पहले आता है. Yeah, I'll correct you. When I mentioned my husband's name, it's Shona Aditya. It's not Aditya Shona. Okay, let's talk about movie credits. Very basic. Very basic, let's talk about that. उसमें हमेशा पहले start होता है. Actor, main actor, actress, supporting actress, हमेशा ऐसे ही आता है. But we say Siara, we say Gauri Shankar. So I would say that our ancients had a much more evolved society. And ours is a, you know, a crude reflection of how things should have been. And that is why it is very important to go back to your ancient roots and rediscover your culture. Because our society has always valued the women much more than men. Mother has always been given a priority over fathers, right? And in fact, agar aap dekhenge, bahut strong characters hain Kunti, right? Her husband died in the forest itself. Aur Kunti ne akele 5 bachon ko bada kiya. और उसमें से 2 उनके स्टेप सन्स थे, उनकी को वाइफ के बच्चे थे. शी डिड नॉट हैव एनी एंगर और एनी यू नो बिकॉज माद्री के कारण पांडू की डेथ हुई थी. बेसिकली द स्टोरी गोज लाइक दैट. एंड शी डिड नॉट हैव एनी रैंकर, एनी यू नो पॉइजन इन अ माइंड अगेंस्ट दोज 2 किड्स. और इनफैक्ट एक स्टोरी है जिसमें यक्ष प्रश्न कहते हैं उसको महाभारत में, वेर ये एग्जाइल में पांडव जब होते हैं तो वहाँ पर यमराज उनको टेस्ट करते हैं. और यमराज एक यक्ष के रूप में आते हैं और वो एक जलाशय है, पॉन्ड है, जहाँ से पांडव एक एक करके पानी लेने जाते हैं और वो वहाँ से वापस नहीं आते. अल्टीमेटली युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि यक्ष खड़ा हुआ और वो बोलता है कि मेरे कारण ये सब गिरे हुए हैं और इनमें से कोई भी मेरे आंसर क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाया. और उसमें से वो एक क्वेश्चन जो पूछता है युधिष्ठिर को ये है कि अगर इन चारों ये जो लेटे हुए तुम्हारे भाई, इनमें से अगर किसी एक को मैं जिंदा करूँ, एक तो तुम हो, तुम आंसर्स दे रहे हो तो तुम बच जाओगे, पर तुमसे खुश होके मैं इनमें से एक को जिंदा कर सकता हूँ, तो वो कौन होगा? तो द ब्यूटिफुल आंसर दैट युधिष्ठिर गिव्स, ही वाज वेरी क्लोज टू भीम, ही वाज वेरी क्लोज टू अर्जुन, जो उसके अपने सगे भाई थे. ही डज नॉट टेक देयर नेम, ही सेज के नकुल या सहदेव में से किसी एक को जिंदा करो, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो मेरी माता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी. सी दैट इज द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट कुंती पुट इन टू हर सन्स. You know, and same for Draupadi, same for, you know, other women in the stories. So I think this, we have to learn, we have to relearn our basics. Thank you for the question. That's a beautiful thought with which we are leaving the audience today. Agar aap log ke man mein aur sawal aata hai, you can always interact with Vineetji. We are still here for some time off the floor. And yes, over to you, Pragya. Thank you so much, Vaijanti, and thank you so much, Vineetji. It has been a very intriguing, informative, and an excellent session. And we want it to just goes on and on, but there's a time limit, and we have to carry on with the felicitations of our guests. So I'll call upon Harshita Goenka on stage, and Vaijanti to felicitate Dr. Vineet Agarwal. A big round of applause for Dr. Vineet Agarwal, everyone.